फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपनी पता कर सकते हैं कि आपके किस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया है और उसे कैसे हटा सकते हैं। तो देखिए, मैं आप YouTube के डैशबोर्ड पर हूं और यहां पर आपको वीडियो मैनेजर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जितने भी वीडियो आपने पब्लिश किए हैं सारी सारी आपको यहां पर शो होने लगेंगी और यहां से आपको पता चल जाएगा कि किस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम है। तो यहां पर देख लीजिए आप, इस तरह से ये फर्स्ट नंबर पर मेरे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, ये फर्स्ट वीडियो पर जो कि मैंने कल डाली थी होली के लिए, तो उस पर आ गया है। और देखिए, इस तरह का निशान आपको सी का आइकन बन जाएगा, सी लिखा हुआ गोले में, और नीचे क्लेम में जो कंटेंट ऐसे लिख के आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको इस तरह से पता कर सकते हैं, इस तरह जिस पर लिखा हो वो कॉपीराइट क्लेम है। तो अब ये तो पता चल गया, अब इसे हटाएंगे कैसे, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो यही सी जो ये जो सी का आइकन बना हुआ है गोला सा छोटा सा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कॉपीराइट क्लेम किस चीज़ पर आया है, वीडियो पर आया है या किसी सॉन्ग पर आया है जो आपने यूज किया हो, किस पर आया, तो वो सब कुछ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, चलिए मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ और आप इसे कैसे हटा सकते हैं और क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो सब आपको बताऊँगा। तो इस तरह का इंटरफेस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लेमेंट लिम्बर, ये तीसरी जो बहुत बड़ी कंपनी है उसने कॉपीराइट क्लेम भेजा है किसी म्यूजिक पर मेरे, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ पर आया है, कौन से म्यूजिक पर आया है, तो मैं आपको सब बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको देखिए कंटेंट के नीचे ये प्ले मच लिखा है और 38 सेकंड से लेकर 48 सेकंड के बीच में कॉपीराइट क्लेम है, तो प्ले मच पर क्लिक कर देना है आपको और फिर आपको ये वीडियो पर क्लिक कर देना है, तो आपको ये वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पर से कॉपीराइट क्लेम होगा। तो देखिए, हम प्ले कर लेते हैं, देखना है 38 सेकंड से ही वीडियो प्ले होगी और आपको पता चल जाएगा कि किस जगह पर कॉपीराइट क्लेम आया है। देखिए, ये वहीं से स्टार्ट हो गई और मुझे पता चल गया बलम पिचकारी वाला सॉन्ग मैंने यूज़ किया था, इस पर होली स्पेशल वीडियो थी इसलिए। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस सॉन्ग को रिमूव कर दूँ तो मेरी वीडियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिस तरह है उसी तरह रहेगी, बस इसका ऑडियो ये रिमूव सॉन्ग जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा सॉन्ग रिमूव हो जाएगा, वीडियो उसी तरह सेम चलती रहेगी, एक तरह से कह सकते हैं कि मेरी वीडियो म्यूट हो जाएगी उतनी 10 सेकंड के लिए। और अगर नहीं ऐसा मैं करता तो ये इस वीडियो से मेरी जितनी भी कमाई होगी तो आधी मुझे मिलेगी और आधी इस कंटेंट के ओनर को चली जाएगी। तो अगर आप पूरी कमाई खुद लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को म्यूट कर दें रिमूव सॉन्ग करके, और अगर आप और दूसरा ऑप्शन है कि आप क्राइम कर दें तो आज से 10 सेकंड जितने में आपके कॉपीराइट है तो उतने की वीडियो और ऑडियो दोनों गायब हो जाएंगे। और एक तरीका है कि सिर्फ ऑडियो गायब होगा, और एक और तरीका है अगर आप ना वीडियो हटाना चाहते हैं और ऑडियो म्यूट भी नहीं छोड़ना चाहते वीडियो को, क्योंकि अच्छी नहीं लगेगी, म्यूट हो जाएगी वीडियो, तो ये ऑडियो का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और जितने में कॉपीराइट क्लेम है उस जगह पर, यहाँ पर ऐड टू वीडियो पर ये म्यूजिक है इतनी सारी, तो आप अपने जितनी जगह पर कॉपीराइट क्लेम आया है तो यहाँ से आप डायरेक्शन पर जाके अपना ऑडियो ले सकते हैं, कितने सेकंड पर आया है उतने सेकंड की म्यूजिक ले लीजिए और उस वीडियो पर ऐड टू वीडियो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके कॉपीराइट क्लेम की जगह पर ये ऑडियो सेट हो जाएगी जो कि यूट्यूब लाइब्रेरी से है और ये कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है। देखिए, यहाँ से आप डायरेक्शन सेट कर सकते हैं जितने सेकंड या जितने मिनट पर आपके कॉपीराइट आया है, तो ये देखिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें और जो भी म्यूजिक आपको पसंद आए ऐड टू वीडियो कर दीजिए। तो कॉपीराइट क्लेम वाली जो ऑडियो है उसको रिमूव करने के बाद यहाँ से आप सॉन्ग उस पर लगा सकते हैं, तो आपकी वीडियो भी अच्छी लगेगी और आपको किसी को अपनी कमाई देनी भी नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को देखो और सब्सक्राइब कर दो, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। Thank you for watching.